देखो ओ टायर फट गया। आज हम इसी ड्रीम बाइक को ना लेके जा रहे हैं काम करवाने के लिए, क्योंकि इस ड्रीम बाइक का हमने काफी बुरा हाल कर दिया। इन एक ये डलवाना है और एक ये फेयरिंग डलवानी है, एक ये डलवाना है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजा डीसी। तो गाइस, सबसे पहले तो अकल वाला व्लॉग आप सबने देख ही लिया होगा, तो आपको पता लगा होगा कि बाइक कैसे क्रैश हुई। बहुत सारे बंदे मेरे से पूछ रहे थे कि भाई यार इतने स्क्रैचेस वगैरह कैसे पड़ गए। भाई जब वो नाली में गिरी ना, तो वो हमें पता कि हमने उसको कैसे कैसे करके निकाला, तो कैसे कैसे साइड पर स्क्रैचेस वगैरह पड़ गई। तो आपको पता है कि मेरा कल वाला दिन ना बहुत बुरा गया, क्योंकि R R 310 ना मेरे लिए क्या बोलूँ, कौन सी बाइक है। मतलब ड्रीम होता है ना, कि जो एक ड्रीम होता है कि उसको मांगना पापा से कि मुझे वो बाइक चाहिए, तो चाहिए वो ली। तो आपको पता अभी तक ना मैंने घर पे नहीं बताया, मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया। अगर पापा देख लेंगे वो बात अलग है, ऐसे तो पापा व्लॉग वगैरह बहुत कम देखते हैं, तो अगर उन्होंने देख लिया ना तो डांट तो पड़ेगी। तो आपको पता मैं रात से शफकत ही घर पे हूँ, मैं रात से मतलब यहाँ से गया नहीं। भी आप आंखें दे सकते हो, रात को मैं अच्छे से सोया भी नहीं हूँ, सोच रहे थे कि सुबह बाइक ठीक करवानी है। तो ये लगी हुई है बाइक, पहले आपको मैं बाइक दिखाता हूँ। ये रही मेरी बाइक, मेरे को दिखाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भाई भी ना बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। बहुत बंदों ने, मतलब इतने बंदों ने मेंशन किया ना, इतना मुझे लग रहा था कि मेरे से ज़्यादा प्यार आप लोग इस बाइक को करते हो। शफकत भाई का भी मूड ऑफ हो गया, मैड मैक्स भाई का भी, शहदाब का भी, रईस का भी, मतलब कल हम सब दोस्तों का मूड सबका ऑफ था, क्योंकि ये बाइक ना हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबको पता है अंकू की ड्रीम बाइक है, अंकू इसको बहुत कम बाहर निकालता है। तो आपको पता है इसको ना मैं कल रात से घर ही नहीं लेके गया हूँ, शफकत के रूम पे लगाई हुई थी। बट अभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ कंपनी में, कंपनी में जाके इसको अभी मैं एकदम से ब्रांड न्यू कर दूंगा। बस कुछ ही घंटों के अंदर ना ये बाइक अभी टोटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि ऐसे मेरे से बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही है। मैं सोच रहा था इंश्योरेंस ले लेते हैं, पर जुनेद भाई बोल रहे हैं कि नहीं इंश्योरेंस लेने दो, काफ़ी टाइम लग जाएगा, एक दो हफ्ते लग जाएंगे। तो जुनेद भाई बोल रहे हैं आज के आज ही ठीक करवानी है, और ये बाइक ना आपको शाम तक व्लॉग में मतलब एकदम ब्रांड न्यू दिख जाएगी। ये जो आपको भी आरत टूटी हुई दिख रही है ना, बस कुछ टाइम बाद ही आपको अभी चेंज मिलने वाली है। मैं अभी हम इसको कंपनी लेके जा रहे हैं, तो आपको बॉम्ब बाइक कल कैसा लगा गिर के? बहुत बुरा खुद की आरस देखो कितनी संभाल के रखी हुई है। तो ये रेसिंग बाइक की हाल देखो जुनेद भाई ने क्या कर दी। पर जुनेद भाई की भी कोई गलती, इन्होंने भी कुत्ता बचाया यार, क्योंकि वो भी यार उसको पता है जानवर भी में जान होती है। बाइक तो ठीक हो जाएगी, अगर कुत्ते को लग जाती फिर ज्यादा अफसोस होता, बट वो बच गया। बाइक अभी हम आपको कुछ ही देर में देखो ठीक कर लाएंगे, उसके बाद फिर बॉम्ब लॉग होने वाला है। शफकत भी अभी आ रहा है ऊपर, फ्रेश होने गया हुआ है। तो निकलते इसको कंपनी लेके जाते हैं, देखते कितना एस्टिमेट होने वाला है, और ये जो मतलब पूरी बाइक हमारी क्रैश हुई पड़ी है, तो देखते हैं कितनी देर में ये ठीक हो जाएगी। तो गाइज अभी विथ्री बोस भी आके बाइक पे बैठे हुए हैं। तो मैं बोल रहा था कि बहुत से बंदे ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि भाई अब RR की मॉडिफिकेशन रुक जाएगी, नहीं होगी। नहीं रुकते गाइज, RR की मॉडिफिकेशन जल्दी होगी, इसको ठीक करके विद इन डेज में मॉडिफिकेशन भी शुरू हो जाएगी। बाइक गुस्सा देख रहे हो, गुस्सा देख रहे हो विथ्री बोस का। विथ्री बोस मेरे को रात को समझा रहे यार बाइक वगैरह का क्रैश वगैरह होता रहता है, टेंशन नहीं ले कोई बात नहीं। जुनेद भाई को भी हमने यही बोला, जुनेद भाई बोलते हैं यार कल तक ये ठीक हो जाएगी, फिर बॉम्ब व्लॉग करेंगे, बॉम्ब व्लॉग। तो देखते हैं अब क्या सीन रहने वाला है। अभी हम इसको लेके जाने वाले कंपनी में, देखते हैं क्या एस्टिमेट बनेगा, कितने पैसे लगने वाले हैं, फिर हम तीनों दोस्त आपस में डिवाइड कर लेंगे थोड़े थोड़े। करोगे? कोई बात नहीं गाइस, डिवाइड नहीं करते हम दोस्ती में पैसे, हम सीधा जितने बनेंगे उतने देके बाइक निकाल के, तो फिर इसको हम ले जाएंगे मॉडिफिकेशन के लिए, और इसके साथ ही हम TFT भी आज लगवा देंगे। RR को लेके हम निकल चुके हैं। तो जितनी बार मैं ये सब चीजें देख रहा हूँ बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है यार, कि उनसे जाके बात करेंगे, अगर उनके पास पार्ट्स वगैरह पड़े होंगे तो डलवा लेंगे। तो इंश्योरेंस तो हमने नहीं करवाना है, क्योंकि यार इंश्योरेंस में ना बहुत टाइम लग जाएगा, एक दो हफ्ता, तो उतना हम वेट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है यार हमने ना इसको रैप करवाना है, तो अगर इनके पास पार्ट्स RR 310 के पड़े होंगे तो हम इसको आज ही फिट करवा देंगे, देन ये बाइक कल तक मेरे ख्याल से रेडी हो जाएगी। कल से ना मैं घर पे नहीं गया, मैंने घर वालों को बोला दोस्त का बर्थडे है तो मेरे को ना यहाँ पे रुकना है, तो पापा बोलते चलो कोई बात नहीं। अब जहाँ तक मुझे लग रहा है घर वालों को ना थोड़ा बहुत पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने ना ब्लॉग तो डाल दिया, या मेरी बहन ने बता दिया होगा, या किसी ना किसी ने तो बता ही देना पापा को। तो कोई बात नहीं, देखेंगे पापा क्या बोलेंगे। तो बाकी चलो कोई बात नहीं यार, जो होना था वो तो हो गया, अब करवाते हैं इसको जाके ठीक। तो देखते हैं क्या सीन रहने वाला है। आज वाला मैं ब्लॉग चेक कर रहा था, बहुत सारे सब्सक्राइबर सैड थे यार, कि यार ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया RR को यार, ये वो। तो भाई यार इतनी टेंशन मत लो यार, मैं भी नहीं ले रहा हूँ, तो आप भी मत लो। आपका भाई है ना राजा डीसी, इसको आज हम देखना एकदम ब्रांड न्यू कर देंगे। तो आप बोलोगे कि भाई इतनी जल्दी आपने ठीक करवा भी दी, आपके लिए मैं इसके ऊपर अच्छा सा रैप कराऊंगा, कि आप इसको देखना एकदम खुश हो जाओगे कि राजा भाई आपने यार इसको बॉम्ब बना दिया। कभी कभी ना RR यहाँ पे सामने लगी होती थी शीशे में, तो मैं शफकत को बोलता होता था कि यार कब मेरे को ये ड्रीम बाइक मेरे को मिलेगी। तो आज हम इसी ड्रीम बाइक को ना लेके जा रहे हैं काम करवाने के लिए, क्योंकि इस ड्रीम बाइक का हमने काफ़ी बुरा हाल कर दिया। तो देखते हैं कितनी जल्दी ठीक होगी। बस आई होप कि पार्ट्स इनके पास होने चाहिए, नहीं कि RR 310 के ना पार्ट्स बहुत कम होते हैं इनके पास,
बस पार्ट्स वगैरह मिल जाए ना तो फिर कोई सीन नहीं है। तो यहाँ पे लगाते हैं अपनी बाइक, तो पूछते हैं क्या सीन है, तो फिर आपको भी बताते हैं। मेन एक ये डलवाना है और एक ये फेयरिंग डलवानी है, एक ये डलवाना है, सलेंसर का कवर भी डलवाना पड़ेगा, उस पर भी स्क्रैचेस है। लाइट का भी मुझे लग रहा है थोड़ा सीन हो पड़ा है, लाइट भी करवा लेंगे। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इसमें हम नहीं करवाएंगे। जो छोटी छोटी सी भी मुझे लगी कि मैं वो भी बाइक चेंज कराने वाला हूँ, मतलब जैसी पहली ब्रांड न्यू लगती थी वैसी ही लगनी चाहिए। कल तक बाइक हमें रेडी मिल जाएगी, शाम को मिल जाएगी। चलो थैंक यू। देखो जो उसके मैंने ऊपर टेप वगैरह कराई थी वो हमने उतार दिया है, तो आज हम TFT भी इसके साथ चेंज करवा लेंगे। बाइक की तो बुरी हालत हो ही बड़ी है, तो TFT भी साथ में चेंज हो जाएगी, पार्ट्स वगैरह भी चेंज हो जाएंगे, दैन इसकी सर्विस भी आज हम करवा देंगे। हमने सब कुछ बता दिया कि हमें क्या कौन कौन से पार्ट्स वगैरह चाहिए इसके, तो बोल रहे कि आज तो नहीं हो पाएगा। देखो TFT की मैंने अभी आपको क्लिप भी बताई थी, तो TFT भी कल लग जाएगी, और ये पार्ट्स भी बोल रहे हैं कल तक आपको आपकी बाइक एकदम न्यू मिल जाएगी। RRM शोरूम में लगा के आ गया, तो आज मैं राइड करने वाला हूँ RS 200। कल भी मैं यही बाइक राइड कर रहा था, देन कुछ टाइम के बाद अपनी RR क्रैश हो गई, तो अभी ना थोड़ा बड़ा मूड ऑफ चल रहा था, तो मैंने बोला यार चलो एक राइड मार के आते हैं, थोड़ा मूड भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि यार ऐसे RR के लिए सोचते जा रहा था। और मैं सबके कमेंट्स चेक कर रहा था, आप सबने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, राजा भाई यार टेंशन मत लो, बाइक जल्दी ठीक हो जाएगी, ये है वो है। मैं भाई आप सबके कमेंट्स पढ़ के ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी आज शाम तक बाइक ठीक हो जाएगी, मुश्किल लग रहा है कल तक। विथ्री बोस पर अगर आज शाम तक होगी तो अच्छी बात है, कल तक तो प्रॉमिस है कि कल तक आपको बाइक एकदम न्यू दिखेगी, और उसके एक दो दिन के बाद मॉडिफिकेशन बाइक की स्टार्ट हो जाएगी। TFT वगैरह जितने साइड पैनल सब कुछ मतलब बॉम्ब बाइक बन के बाहर निकालूंगा, देन उसके बाद सीधा एक दो दिन में मॉडिफिकेशन स्टार्ट, फिर हमारी RC भी मॉडिफिकेशन हो जाएगी, RR 310 भी, और एक V3 बोस ने सरप्राइज रखा हुआ है। तो कब तक तुझे भी नहीं बोला मैंने, इन्होंने एक सरप्राइज रखा हुआ है, वो मुझे भी नहीं बता रहे हैं, तो क्या पता वो आप सबको बताएंगे कुछ दिनों तक। तो देखो बॉटल के बीच में डलवाने वाले हैं पेट्रोल, तो देन उसके बाद मारेंगे फायर बर्न आउट रेस की बाइक पे, तो देखेंगे। ये आइडिया दिया V3 बोस ने, तो क्योंकि आज तक हमने जितने बर्न आउट मारे सिंपल मारे, आज पेट्रोल के साथ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे ये। तो ये देखो टायर टोटली खत्म होने वाला है इसका, तो आज टोटली खत्म हो जाएगा। ये बॉटल दे देते हैं अब इनको वापस मैड मैक्स भाई को, तो चलेंगे अभी ये पेट्रोल डलवाएंगे नरवाल से, तो हम इनका वेट करेंगे आगे। तो आज मैं वापस से राइड कर रहा हूँ अपनी फेवरेट RS बाइक, हम निकल रहे हैं अभी फायर बर्न आउट मारने के लिए। ये देखो पेट्रोल भी ले लिया बॉटल में, तो आज इस टायर की ना बुरी हालत होने वाली है, तो देखेंगे कैसा सीन रहने वाला है। यहाँ पे मारने वाला है रेस बर्न आउट, तो देखते हैं कैसा रहने वाला है सीन, इसका टायर से ना फटने वाला आज। V3 बोस ने पेट्रोल अब डालने वाले है टायर पे, ओए थोड़ा लंबा करना कि अच्छे से आग निकले, ठीक है, अच्छे से टायर फटना चाहिए इसका, क्योंकि टायर ना ट्रैक टायर बन चुका है। गाइस तबाही तबाही होने वाली है आज, अब देखते हैं क्या सीन होने वाला है। मैं तो हो जाता हूँ पीछे, तो रुक जा। ओए टायर घुमा, ओ ले गाइस जल गई बाइक जल गई गाइस। ओ भाई ओ पकड़ रहा गाइस, देख रहे हो तबाही। ओ बॉम ये टायर ने, इस टायर की आज बुरी हालत हो जाएगी, सच बोल रहा हूँ। ये देखो वो पागल, वो देखो मत कर यार, आग लग जाएगी भाई को डफर। ओ टायर फट गया, टायर फट गया। वो देखो तारे बाहर निकल आई हैं। ओ भाई कुछ गरम गरम आ गया हाथ पे गिरा। ओ डिस्क खराब होगी यार, क्या हुआ वो देख डिस्क में। गाइस देख रहे हो बाइक की तारे सीधा डिस्क के अंदर घुस गई हैं। टायर तो फट गया भाई, टायर की हालत देख रहे हो, डिस्क के बीच में ना तारे घुस गए, ऐसा बर्न आउट ना पहली बार देखा लाइफ में। मेरे को बोल रहे थे तू कर, मैंने बोला ना मेरे से नहीं होने वाला, आप खुद ही करो पंगे, मैं करता हूँ जब मेरा मन हो। बहुत कम हम आपको बता RS चलाते हो यार, तो RS चलाने का भी मौका मिल जाए थोड़ा सा। RS वर्सेस हो जाएगी ड्यूक यार, भाई RS चलाने का फील ही अलग है यार, बहुत फील अलग है इसका। गाइस अभी हम ना न्यू फ्लाईओवर के नीचे चल रहे हैं, वो देखो फ्लाईओवर ऊपर और हम नीचे हैं, तो जुनेद को पता नहीं क्या काम ऐसा पड़ गया, बोल रहा मेरे साथ चलो, हमने बोला चलो ठीक है, क्योंकि यार आपको पता है अपने किसी भी दोस्तों को कोई काम हो तो जाते तो सब ही हैं, तो फटाफट एक काम फिनिश करेंगे उसके बाद चलेंगे RR 310 के शोरूम में, देखेंगे बाइक का काम हो रहा है या नहीं, और हमने सोचा कि थोड़ी राइड कर लेंगे ना तो थोड़ा मूड भी चेंज होगा,
क्योंकि यार आपको पता है तब से मूड ऑफ ही था, जब से बाइक क्रैश हुई पड़ी है सबका ही ऑफ था, मेरा अकेले का नहीं था यार। आज आरसी तो मैंने लाई नहीं है, बट आज मैं आरएस के साथ ही रेस के साथ थोड़ी बहुत रेस कर रहा हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो अभी काम फिनिश हुआ है इनका, तो अब हम निकल रहे हैं सीधा अपने RR 310 के पास। तो देखते जाके कि क्या सीन है, बाइक ठीक कर भी रहे हैं या ऐसी लगी हुई है। तो निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपको सीधा आगे। सो गाइस अब हम जा रहे हैं यहाँ से सिद्रा। ओ चचा बीच रोड में मोड़ रहे हो आप, ये देखो। अरे रईस मलिक आगे नहीं निकलने दे रहा आपके बाइक को, 390 सीसी लेके ये फिर आपको बताया। हमारे पास गरीबों का 200 सीसी बाइक है। अभी हम जाएंगे सिद्रा। रईस को मैंने बोला हमारे लिए रुक जा, रईस तो हमारे लिए रुका नहीं। हेलो भाई कैसे हो, कैसे हो भाई, ठीक हो? ओ भाई और थोड़े राइडर्स भाई मिल गए। हेलो कैसे भाई, ठीक ठीक ठीक। चलो भाई आज ना इन भाइयों के साथ ही राइड करते हैं, क्योंकि मेरे पास भी आज 200 सीसी बाइक ही है यार। तो ये भी एक KTM है, RS R15 है। सिद्रा तो आजकल आपको पता है 2 मिनट बाइक खड़ी हो जाएगी तो उसके बाद आपको सीधा सीज मिलेगी, तो बाइक सीधा सीज हो जाती है। क्या राइड हो रही है इन सबके साथ है, सच बोल रहा हूँ बड़ा मजा आ रहा है। आज मैं 200 सीसी बाइक लेके आया, मेरे को 200 सीसी वाले राइडर्स वगैरह मिल गए सब, तो इनके साथ राइड करने का सच में मजा आ रहा है। रईस के साथ बिल्कुल राइड नहीं होगी क्योंकि ये बंदे मिल गए हैं, तो आज इनके साथ ही राइड चल रही है यार। कुछ राइडर्स मिलते ना तो मजा आता, पर जब ज्यादा राइडर्स हो जाते ना तो भाई तब मेरे को मजा नहीं आता, मेरे को ना डर लगता है कहीं एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। अभी हम जा रहे हैं RR के शोरूम में, देखते हैं बाइक तैयार हुई होगी अभी तक, मतलब पार्ट्स वगैरह लग चुके हैं या नहीं, TFT वगैरह। तो बाकी पता भी नहीं चला सीधा सीधा कब पहुंच गए, और भी अननोन राइडर्स हमें मिल गए थे, क्योंकि आपको पता है यार हम मतलब कभी भी राइडर्स को एक साथ इकट्ठा नहीं करते हैं, जो हमें रैंडमली मिल जाए ना तो हम उनसे राइड कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा राइडर्स इकट्ठा करके ना सिर्फ आपको पता है एक्सीडेंट ही होते हैं, उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं होता। तो हमने चाहता कि हमारी वजह से किसी और को लगे तो फिर लोग उठाते भी नहीं है, ऐसे उधर छोड़ के भाग जाते हैं उनको। तो बाकी चलते RR शोरूम में, तो देखते हैं बाइक का क्या सीन है क्या नहीं।